नौजवानों मदीना तैयबा बल दौर दया रिया नाली अर्ध कर दे कमली वाले मैं माफी पिया लेना ना अर्ध कर दे या लाल इन सादे दे एक बारी तेरा यार वे के मैं माफी ले आवाज नौजवानों सुनो मेरा नबी की मैं अवले उठने आटुरिया जड़ वेले मदीना तैयबा हों दे करीब आया आके मदीने दिया दीवार चमदाए मदीने दी मिट्टी सीने नाल लादाए ते नाले के अंदर तेनु चुम चुम अखां नाल लावा निमिटिए मदीने दिए तेनु चुम चुम अखां नाल लावा निमिटिए मदीने दिए ते लख बार सदके मैं जावा निमिटिए मदीने दिए यहूदी बैठा मुल्के शाम के अंदर नौजवान ते तौरात दी तिलावत पिया करे मैं हुवल अव्वल सुना रहा अचानक उठे ना मुहम्मद का नाम आ गया वो यहूदी ने ना नौजवान ने कमली वाले का नाम तौरात ही चो मिटा दिता मिटा के जब रात लेटिया सुबह उठ के जब तौरात दी तिलावत करन लगा तो हैरान है कि कल ते एक जगह मुहम्मद का नाम लिखा सी अज दो जगह मुहम्मद का नाम लिखा है उन्हें दोनों जगह मिटा दिता उन्हें ना रात लेट के जब सुबह तौरात दी तिलावत करनी शुरू की थी तो वेख्या अज तीन जगह मुहम्मद का नाम लिखा है थोड़ा तो वाहवा तजर्बा होना दूध चक वाले तो सब ईद मिलादुन नबी लिख देवोगे दीवार उते ते कई बेली रातों रात चूना फेर जाते ला के लै जाते फुल गुलाब दे ते इस सजावट खराब कर देंगे नबी पाक का नाम मुबारक लिख दो किधर यार रसूल अल्लाह ते चूना फेर जावे पता लगे ये भी अज दे नहीं पुराने काम लगा रहे हैं सुभान अल्लाह इतों ही तो पता लगता मुस्तफा दे गुलाम दा सच्ची दस जेड़ा नबी दा गुलाम होवे नबी दा नाम मिटांदा एक काम तो यहूदी करदे सन एक काम तो यहूदियां कीता है ना नबी पाक दा नाम मिटावन वाला आशिक ते सीने ते बैठ जांदा लब्बैक या रसूल अल्लाह आशिक ते सीने ते लगे लिखदा या मुहम्मद या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह गिरामी कदर हजरात उन्हें नाम मिटाया पता लग गया नाम मिटावन वाले यहूदी होंदे ने आशिक नबी का नाम नहीं मिटांदा उन्हें जब नाम मिटाया तो वेख्या तो चार जगह नबी का नाम लिखा उन्हें तौरात उठाई तो अपने वक्त यहूदी उलामा को जाके कहने लगा मुहम्मद कौन है मैं इहदा जिन्नी बार नाम मिटाना उन्नी बार डबल लिखा जाता है तो ना हो वे के मैं नाम मिटाता रहा तो किधरे सारी तौरात मुहम्मद 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 ही ना हो जाए वक्त दे उलमा ने आख्या ए अल्लाह दे आखिरी नबी ने ते मक्के च पैदा होए ने उन्हें आख्या यदि शान की है उन्हें आख्या शान ए वे के जे रब दा गुनाह हो जाए ना ते माफी मुहम्मद तो मंगी है ते रब राजी हो जाता है उन्हें ख्याल आया गुनाह रब दा करिए ते माफी मुहम्मद को नु मिल दिए मैं ते गुनाह ही मुहम्मद दा कर बैठा ते होवे ना ते मैं मुहम्मद तो माफी ना मांग के आवां कह लगा कि मुहम्मद कितने मिलनगे यहूदी उलमा ने आख्या कि पैदा तो मक्के च होए मगर वक्त पिया दसदा कि मक्के च नहीं मिलनगे वह हिजरत करके मदीना तैयबा टुर गए अगर तेनो मिले तो मदीने पहुंच मदीने नौजवानों उन्हें मुल्के शाम तो टुरिया उन्हें मदीना तैयबा वाल दौड़ लगा दी इमाम कुरतबी रहमतुल्लाह अलैह लिख दे नौजवानों मदीना तैयबा वाल दौड़ दया रिया नाली अर्ध कर दे कमली वाले मैं माफी पिया लेना ना अर्ध कर दे या लाल इन सादे दे एक बारी तेरा यार वे के मैं माफी ले आवाज नौजवानों सुनो मेरा नबी की मैं अवले उठने आटने आज डबले मदीना ते ये बाहों दे करीब आया आके मदीने दिया दीवार चमदाए मदीने दी मिट्टी सीने नाल लादाए ते नाले के अंदर तेनु चुम चुम अखां नाल लावा निमिटिए मदीने दिए तेनु चुम चुम अखां नाल लावा निमिटिए मदीने दिए
लख बार सदकाने मैं जावा निमटिए मदीने दिए जड़े वेले मदीने दिए गलिया च आया हजरत सलमान फारसी राह बिच मिले ते पकड़ के कहन लगा तेरा नाम ही मुहम्मद है। हजरत सलमान दिया चीखा निकल गईया नौजवान जड़े वेले यहूदी मदीने आया इधर तीन दिन गुजरे मेरे नबी दुनिया तो पर्दा कर गए ने मदीना तैयबा दिया गलिया सुजिया हो गईया सहाबा नबी दे भी छोड़े जे पे रोंदे ने उन्हें आके हजरत सलमान ने फारसी ने आख्या लगदा तेरा ही नाम मुहम्मद है आपकी चीख निकल गई फरमाते ने मैं तो बुबे का गुलाम कह लगा मैं जल्दी मुहम्मद नाल मिला दो हजरत सलमान ने फारसी लैके उन्होंने मस्जिद नबी दे अंदर आ गई सहाबा कोई इस नुकर च बह के पे रोंदा है कोई इस नुकर च बह के रो रहा है कोई इस नुकर च बह के रो रहा है ये टुर गए ने दिलदार दिला दे ते बदनो चुके मोहारा उजड़ी बस्ती नदरिया वे ते कंड दिती हुई जद यारा नौजवानों से पिंड ने आके हजरत मौला अली दे चेहरे वाल वेख्या कहन लगा अस्सलाम अलैका या मुहम्मद सहाबा ने मुड़ के वेख्या कौन साडे गम तादे करने आ गया नबी दा नाम सुनिया चीखा बुलांदे हो गईया ए लगिया वाले चुप नहीं करे दे ते तैया लख दिला से टुर गए यार बिछोड़ा पाके उन जाइए केड़े पासे ते दुनिया डाडी असिया माड़े ते डर दे उस नहीं कर दे टुर जावन महबूब जिना दे उना जो दे तेना मरे दे नबी करी उन्होंने इशारा करके मौला अली ने करी बुलाया मौला अली फरमा लगे कितों आया है कह लगा तेरा ही नाम मोहम्मद है मौला अली ने फरमाया मैं तेरे बुबे का गुलाम और रो के कहन लगा मैं मोहम्मद नु मिलने आया हूं जल्दी करो मैनु को मोहम्मद नाल मिला दो मौला अली ने फरमाया कितों आया है कह लगा मुल्क शाम चो आया हूं मैं तो रात च मोहम्मद अधिकार पढ़ के आया ना मोहम्मद माफी लेने आया मौला अली ने नबी पाक की कमर वाली इशारा किया फरमाया जिन्हों वेखने आया है अज तीन दिन गुजरे ने असा समाई का चेहरा नहीं वेख्या अज असी आप दास ओ वेख यार विछोड़ा दे गया ओ वेख कमली वाले कबर च चले गए ने नौजवान मैं केड़ा रंग देवा यार जिन्ना दे प्यारे बिछड़न ते कौन रोवे मुड़े थोड़ा सौ रोगा दा इक रोग मुहम्मद ते जिस दा नाम बिछोड़ा ने आके मेरी नब्बे दिन खबर नौजवानों ने कलाबा मार लिया कह लगा कमली वालिया उठ सुनिया परदेसी आया कमली वाले मैं गुनावा दी माफी लैन आया मैं ते सुन के आया रब माफी नहीं देंदा जब तक तू माफी ना दे देवे नौजवान मेरे नबी दी कबर नु कलाबा मार के रोई जा रहा सहाबा चीखा मार के रो रहे अज कमली वाले दरदारी हयात ज्यों दे इनू सीने ला के तसलियां दे दें दे वो पेंडू टुरिया टुरिया मौला अली दे कोल आया कहन लगा नबी ते नहीं वेखिया
मैनू नबी दी कोई निशानी दे दियो, मैनू दस तेरा नबी किवें दा सी। मौला ली फरमान लगे तेनू की दसाओ, फरमा तू मेरा महबूब निडेठा, जिन्हों वेख के जन शर्मा वे अती राती दिन चढ़ जावे, क्यों मुख तो निकाब हटावे, बिजली डर दी लिशक न मारे, मता बेद भी हो जाओ वे, जे ओ खोले पल जुल्फा दे तेरा ही रा भुल जाओ वे, तौबा दा हुसन महीदा जिदी जाओल न झली जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर नया दे, लगा एडा सोना माही ते मैंने उस महबूब दी को निशानी बखाओ। मौला अली फरमान लगे को मेरे घर जाओ ते नबी पाक दा जुबा लेके आओ। दरवाजा खड़काया सैयदा ज़हरा पईया रोदिया बाबा दी याद, अर्ज कीती कि सैयदा नबी पाक दा जुबा दे आजे। सैयदा तड़प के फरमा दिया कि दी जुरत मेरे अबू दा जुबा पहन दी। अर्ज की हजूर जुबा पहन दी किसी की जरूरत नहीं, पर एक परदेसी आया नबी पाक नु वेखन आया, नबी पाक ने मिले ते कहंदा हजूर दी कोई निशानी वखा दियो। सैयदा ज़हरा पाक ने नबी पाक दा जुब्बा चुम के दिता, जुब्बा जड़े पहले मौला अली को लाया ते मौला अली ने ओही जुब्बा चुम के जदों उस पेंडू ने दिता ना, ओ यहूदी नाले ते जुब्बा चुमदा नाले नबी पाक दी खुशबू सुंघदा। इस जुब्बे दी शान है कि हजरत शाह गौस अली पानीपति कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं एक बार यमन गया ते मैनूं किसे दस्या इत्थे ओ जुब्बा जिहड़ा नबी पाक ने हजरत खाजा वैसे करनी नूं भेजिया सी। आ फरमाते ने मैं ज़ियारत करन गया ते मेरा दिल कीता मैं जुब्बा एक बार पहन के ना वेखा। फरमाते ने मैं पहन गया ना ते मैनूं शैतान ने वसवसा डालिया, पता नहीं ये जुब्बा हजूर दा है कि नहीं। आ फरमाते ने मैं जुब्बा पहन के जदों झूम रहा ना ते अचानक मेरी धुप वल छाती पई ते मैं वेख के हैरान रह गया कि साया नबी पाक दे जुबे दा भी कोई नहीं ते मेरा भी कोई नहीं। मैं समझ गया जुबा नबी पाक दा ही है, ये ओ जुबा अजमत वाला। उस पेंडू ने जदों चुम चुम के अखियां ना लाया ते रोया ना ते आके ते कलमा नबी पाक दा पढ़ के हजूर दी कबर ते लेट गया ते कहन लगा कमली वाले मैं तेरा गुलाम ते बन गया, मैं तौरात च तेरे जिक्र पढ़े सन ते कमली वाले मैं सुन के आया रब दा गुनाह करिए ते माफ़ी तेरे बूहे तो मिलदी है, मैं ते गुनाह ही तेरा कीता है तो माफ ना किया तो क्या मतलब रब मैनू माफी नहीं देनी, मैनू माफ कर दे। इस जदम ना तड़प के रोया कि मुफस्सिरीन फरमाते ने सहाबा चीखा मार के रो रहे और रोही जा रहे। अचानक नबी पाक दी कबर हिली ते सरकार दी कबर चो आवाज आई चुप कर जा ना रो मुहम्मद रोंदे नहीं वेखे जांदे, जा रब को माफी लै दित्ती आ, रब को माफी लै दित्ती आ। नौजवानों उन्हें मेरे नबी नू वेखिया नहीं, उन्हें जिक्र किथे पढ़िया तौरात च हुवल अव्वल, पता लगे नबी पाक जदू नहीं आए। हजारा साल पहले भी नबी का जिक्र तौरात च भी मौजूद है, इंजील च भी मौजूद है, जबूर च भी मौजूद है, नबियां विच भी मौजूद है, उन्हां दियां उम्मतां च भी मेरे नबी का जिक्र मौजूद है। हुवल अव्वल क्योंकि वह अव्वल है ना, सारे तो पहले बनया, उसका जिक्र भी सब तो अव्वल, उसकी हर अदमत सब तो अव्वल। अल्लाह ने अपने महबूब को सब तो अव्वल बनाया तो आखिर नबियां दे विच भेजिया। गिरामी कदर